यही है वो किडनैपर। इसने जूही को किडनैप किया या उन किडनैपर से मिला हुआ है? क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है क्या? हे भगवान, ये तो वही बाबा लग रहा है। इसका मतलब वो सच में पाखंडी निकला। नहीं रुचिता, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखा इसे कहीं। पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि इसकी पोस्टर आस पड़ोस में हर जगह लगवा दूँ। हाँ बेटा, ये सही रहे। और क्या पता इससे जूही का कोई सुराग मिल जाए। क्या हुआ रुचिता? पापा जी, ये तो वही पा, ये देखिए। रुचिता, ये तो वही बाबा है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। रूही, ये आपने क्यों बनाया बेटा? मम्मी, इनकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए मैंने दाढ़ी बाल बना दिया। ये तो वही हूँ, इन्हें तो उस दिन माँ घर लेके आई थी ना। हाँ रुचिता, लग तो वही रहा है। इसका मतलब ये जूही को उठा ले गया। बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर? मेरी जान है, मेरी पोती है जूही। मैं उसके साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती माजी। नहीं माँ, हम आप पर शक नहीं कर रहे, लेकिन अगर रूही ने ये पेंटिंग बनाई, इसका मतलब रूही ने भी उस बाबा को देखा है। उस दिन पार्टी में वो बाबा जरूर रूही के सामने आए होंगे। इसका मतलब यही है कि इसी बाबा ने जूही को किडनैप किया है। माँ, अगर रुचिता बाबा तक पहुंची तो बाबा मेरा नाम ले लेगा, और अगर उसने मेरा नाम लिया तो नहीं, मुझे खुद बाबा को ढूंढना होगा। कुछ भी मत बोलो रुचिता, वो एक धार्मिक बाबा है, वो भला ऐसा क्यों करेंगे, क्यों लेकर के जाएंगे वो जूही को? माँ, वो बाबा पाखंडी भी तो हो सकते हैं ना। हम आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई बाबा अपना रूप बदल के बच्चे को अगवा करके लेके गए। हो सकता है ये भी वैसा ही हो। और याद है ना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये बाबा मुझे सही नहीं लग रहे, पाखंडी लग रहे ये। माँ, आपके पास उसका नंबर भी था ना? आप एक बार नंबर दिखाइए, मैं चेक करती हूँ कि उससे ये अननोन नंबर मिलता है क्या। बताइए माँ, उनका नंबर क्या? मेरा फोन तो पानी में गिरकर खराब हो गया और सारे नंबर उसमें से डिलीट हो गए। मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक बार पुलिस से बात करती हूँ। पुलिस को बताती हूँ इस फोटो के बारे में। अरे बस सोचता, बस इस रूही ने कुछ भी ऊट पटांग सा बना दिया और चली बड़ा CID बनने। कल को वो प्रतीक के पापा की कोई तस्वीर बना कर ले आएगी तो क्या तुम ये मान लोगे कि प्रतीक के पापा ने जूही को अगवा किया है? माँ, पुलिस को अपना काम करने दो रुचिता, तुम्हें ज्यादा CID बनने की जरूरत नहीं है। परसों निहार आ जाएगा, वो खुद ही ढूंढ लेगा मेरी पोती को। CID बनने? अरे We'll be right back.
लेके फालतू की चीजें सोचना बंद करो। पुलिस को अपना काम करने दो। माँ इतना क्यों गुस्सा हो गई और उन्होंने स्केच क्यों फाड़ दिया? जैसे इसको होश आए ना, हमें अपना काम खत्म करना पड़ेगा। और हम नहीं रुक सकते। इसको देवी बनाओ और वो एनआरआई क्लाइंट को बेच दो। अरे आप चिंता मत कीजिए, इसके होश में आते ही मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूंगा ना कि ये सांस भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से ढूंढ लो प्लीज। जूही बेटा, आप जहां कहीं भी हो डरना मत, आपकी मम्मी आपको ढूंढ कर ही रहेगी। थैंक गॉड, माँ के स्केच फाड़ने से पहले मैंने फोटो ले ली थी। माँ ने कहा था कि वो उस बाबा से यहीं कहीं मिली थी, क्या पता मुझे यहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। एक्सक्यूज मी, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? ध्यान से देखिए ना, आपको शायद कुछ याद। भाई साहब, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? अरे दो दिन पहले भी तो एक मैडम बाबा को पूछ रही थी और आज आप भी पूछ रही हैं। औरत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे को? आपको उनका नाम पता है, कुछ मालूम है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल आप ही की जैसे बिल्कुल परेशान थी। कहीं उसके बच्चे को भी तो अगवा नहीं कर लिया बाबा ने? अब वो उम्र में ना थोड़ा सा मतलब बड़ी थी। कैसी दिखती थी आपको, कुछ याद है? अरे वही मैडम तो है। चलो। अरे रुकिए, ये औरत ऐसे क्यों भागी? कहीं ऐसे तो नहीं कि इस औरत का उस बाबा के साथ कोई संबंध हो? मुझे ये सब पुलिस को बताना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस बाबा के बारे में मुझे कहीं कुछ पता नहीं चला, आप प्लीज आसपास कुछ देखे ना, कुछ आपको शायद पता चल जाए। थैंक यू। क्या करूं मैं, कैसे पहुंचूं अपनी जूही तक? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। रूही, आप इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? मैं टूटे हुए तारों का वेट कर रही हूँ, जब वो आएगा मैं उससे विश मांगूंगी, प्लीज मेरे बहन को मुझे वापस लौटा दीजिए। जब तक जूही नहीं आती मैं अपने फेवरेट चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी, तब शायद खाटू जी जूही को भेज दे। भगवान जी हमें हमारी जूही को वापस लौटा दो।
हाँ लेके आता हूँ। निकम्मो, तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली गई? अरे ढूंढो उसे, कहाँ गई वो बच्ची? कहीं हाथ से निकल ना जाए, ढूंढो उसे, पकड़ो उसे। कहाँ गई चुईया? जाओ ढूंढो उसे। चलो उधर ढूंढते हैं। अभी तो इधर ही जाते हुए देखा था, अचानक कहाँ चली गई? गई तो गई, कहाँ ये चुईया? यहाँ पे तो पानी आ रहा है, अब कैसे निकलूं? मुझे बाहर निकालो, कोई है? खाटू जी, मेरी बच्ची, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बच्ची किसी मुसीबत में? हे खाटू जी, प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना। कोई है? खोलो खोलो, बचाओ। मम्मी बचाओ। मेरी जुई को कुछ मत होने देना खाटू श्याम जी, उसकी मदद करना, उसकी रक्षा करना। बचाओ, कोई है? बचाओ, मैं डूब रही हूँ। लगता है वो भाग गए।
मेरी बच्ची का साथ दीजिएगा खाटू जी, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए प्लीज खाटू जी, मेरी मेरी जूही की मदद कीजिए, मेरी जूही को कुछ मत होने दीजिए। आप सबकी परेशानियों के निवारण के लिए, आप सबके दर्द को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए स्वयं धरती पे माता रानी ने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो बोलिए माता रानी की जय, माता रानी की जय। माता रानी की जय, माता रानी की जय। माता रानी, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप कृपा कीजिए इसकी शादी करवा दीजिए। माता रानी, आप क्या कहना चाहती हैं मैं समझ गई। ये लीजिए, ये अपनी बेटी को पहना दीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान मिल जाए। माता रानी की जय। बोलिए माता रानी की जय। क्या आपको मेरी बेटी का रिश्ता पसंद है? अरे ये तो चमत्कार हो गया, माता रानी की जय। अरे रे, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि तुमको हमने ही भेजा है। निकल यहाँ से। माता रानी की जय, माता रानी की जय। चलो चलो। माता रानी, मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? माता रानी, सालों से मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माता रानी, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। माता रानी, मैं आपका इशारा समझ गई। ये लीजिए, माता रानी ने स्वयं शिवजी का प्रसाद भभूत दिया है, आप इसका सुबह शाम दो बार सेवन करिए, आपका सारा दर्द छुमन हो जाएगा। ये लीजिए। से अच्छों का दर्द गायब हो जाता है, अब देखना कैसे अंधा विश्वास जागरूक होता है। चमत्कार हो गया, सालों पुराना मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। माता रानी की जय, माता रानी की जय। हे देवी माँ, जब से मेरी बच्ची मुझसे दूर हुई है, मैंने हर मंदिर में मन्नत मांगी अपने बच्चे के, मन्नत के धागे से लेकर श्रृंगार तक सब कुछ किया माँ, फिर ऐसी क्या कमी रह गई माँ, जो आप खुद एक माँ होकर एक माँ की परीक्षा ले। प्लीज माँ, मुझे मेरी बच्ची लौटा दीजिए, मेरी जूही लौटा दीजिए माँ, प्लीज मेरी जूही लौटा दीजिए। आपकी तकलीफ सिर्फ एक शख्स दूर कर सकता है। मोबाइल में फोटो मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास फोटो भी है उसकी, ये देखिए। आपको आपकी बच्ची खो गई है ना, ये मूर्ति वाली देवी मैया नहीं, असली वाली देवी मैया आपकी परेशानी दूर करेंगी। असली वाली देवी मैया? हाँ, पास से गांव में एक बच्ची के रूप में
साक्षात प्रकट हुई। मेरा बरसों पुराना पेट का दर्द यूं चुटकी में ठीक कर दी। किसी की बेटी की शादी रुकी थी, वो शादी भी करवा दी। आप उनके पास जाइए, वो आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। माता के मंदिर में खड़ी होकर कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, पाखंड है। आपको पाखंड लगता है तो आप मानिए, मेरे लिए तो साक्षात देवी माँ का रूप, उनके चेहरे पर ऐसा तेज है कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। इतने सारे क्लूज होने के बाद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे? बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए सर, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं आप? हमें पता चला है कि वो बाबा बच्चों की तस्करी के लिए उन्हें किडनैप करता है। मेरे पास तो उनकी तस्वीर भी है। मोबाइल में फोटो मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास फोटो भी है। ये देखिए, होने के बाद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे? बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। दादी तो अंकल के साथ बात कर रहे हैं, मैं ही फोन उठा लेती हूँ। देखिए सर, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं आप? हमें पता चला है कि वो बाबा बच्चों की तस्करी के लिए उन्हें किडनैप करता है। इतने सारे क्लूज होने के बाद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे? बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। दादी तो अंकल के साथ बात कर रहे हैं, मैं ही फोन उठा लेती हूँ। देखिए सर, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं आप? हमें पता चला है कि वो बाबा बच्चों की तस्करी के लिए उन्हें किडनैप करता है।